मोदी 3.0 में कौन कौन बनेगा मंत्री? नितिन गडकरी राजनाथ के साथ। कौन कौन लेने वाला है अब शपथ? क्या शाह मंत्रिमंडल से हो जाएंगे आउट? नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी 3.0 सरकार का शपथ ग्रहण कल शाम 7:15 पर होने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं मिल पाया, इसके कारण कि सरकार चलाने के लिए अब उसे एनडीए के अपने सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा है। ऐसे में कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट इस बार बेसब्री से इंतजार की जा रही है, लेकिन ये लिस्ट पूरी तरीके से बदली बदली भी नजर आ सकती है। इस बार हो सकता है कि बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या कम कर दी जाए और एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्रियों की संख्या बढ़ा दी जाए। इसका एक कारण यह भी है कि बीजेपी के कई मंत्री चुनाव हार चुके हैं, इनमें स्मृति ईरानी और आरके सिंह भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो श्रीकाकुलम लोकसभा क्षेत्र से तेलुगु देशम पार्टी के 3 बार के सांसद राममोहन नायडू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। टीडीपी को मोदी कैबिनेट में एक कैबिनेट मंत्री का पद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 2 राज्य मंत्री पद भी मिल सकते हैं। हालांकि पार्टी ने 4 पदों जिनमें 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद के लिए पैरवी की है। इसके अलावा पार्टी को डिप्टी स्पीकर पद की पेशकश किए जाने की संभावना है। दूसरी ओर जेडीयू मंत्रियों के मोलभाव कर सकती है, हालांकि इसकी भी अभी कम उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कल एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार जिस हिसाब से पीएम मोदी की तारीफ में जुटे थे, उसके एक बात तो साफ हो गई कि वो केवल बिहार में सीएम की कुर्सी चाहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि एक वीडियो भी खूब वायरल हुई जिसमें सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी तक का पैर छूने के लिए झुक रहे थे, जिस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें पैर पड़ने से मना कर दिया। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें हैं कि नीतीश के करीबी ललन सिंह मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एलजेपी कोटे से चिराग पासवान, हम के मांझी, अनुप्रिया पटेल समेत कई और चेहरे इसका हिस्सा होंगे, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम शिंदे की शिवसेना, दूसरी तरफ अजीत पवार की एनसीपी, तो तीसरी तरफ पवन कल्याण की पार्टी से भी एक एक कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि अंतिम मुहर तो कल ही लग पाएगी, जब जिन्हें फोन जाएगा कि आपको मंत्री बनना है, और वो जब आएंगे तभी पता चलेगा कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल है। इस खबर को लेकर आपकी क्या है और मोदी कैबिनेट में किस मंत्री के चेहरे को आप देखना चाहते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसी ढेर सारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।